भोपाल में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर रोक नहीं लगेगी। चुनाव आयोग ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। दरअसल कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला ने साध्वी की उम्मीदवारी को ये कहते हुए चुनौती दी थी कि उन पर आतंकी घटनाओं में लिप्त होने का मामला चल रहा है, वे जमानत पर बाहर हैं, ऐसे में उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगे। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आयोग ने कहा कि दोष सिद्ध होने पर चुनाव न लड़ने का प्रावधान है, न कि आरोपी होने पर, इसलिए साध्वी के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लग सकती। अब साध्वी खुद पर लगे आरोपों को दिग्विजय सिंह की साजिश बताकर उन्हें घेर रही हैं। मुझे तो तमाम जगह से लोग कह रहे थे आप चुनाव लड़िए, लेकिन मैंने मन नहीं बनाया। पर कुछ तो ऐसा था मेरी कर्म भूमि में, मेरी ये कर्म भूमि रही भोपाल, और मैं यही रही हूं। 6 वर्षों तक इस भोपाल की जेल में भी रही हूं इन्हीं कांग्रेसियों के षड्यंत्र के कारण, इसलिए जगाने आई हूं। उधर बीजेपी साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ सियासी साजिश के आरोप लगाकर जेल में उनके उत्पीड़न के मामले को भुनाने में जुट गई है। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने साध्वी प्रज्ञा के पोस्टर लगवाए हैं। पोस्टर के साथ लिखा है अब न्याय होगा। पोस्टर में साध्वी की उस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है जिसमें वो अस्पताल इलाज कराने जा रही हैं। गुरुवार को इन तस्वीरों का सच बयां करते करते साध्वी प्रज्ञा की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये जो बेल्ट मारते थे पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था, सुन्न पड़ जाते थे, और ये दिन और रात पीटते थे। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा नहीं बता रही हूं, लेकिन इतना कह रही हूं कि और कोई बहन आज के बाद कभी भी इस पीड़ा का सामना न कर सके। उधर साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर दिल्ली से भोपाल तक और श्रीनगर से हैदराबाद तक कोहराम मचा है। सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए पार्टी ने आतंकवाद की एक आरोपी को अपना मोहरा बनाया है। एक ऐसे शख्स को भोपाल से मैंडेट दिया है जिन्होंने सिर्फ आतंकवाद के केस में एक आरोपी है, बल्कि उसके साथ साथ बेल पे है, और बेल भी उनको इस बहाने दिया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। मुझे बताइए, अगर उनकी सेहत जेल में रहने के लिए ठीक नहीं है तो उनकी तबीयत इलेक्शन लड़ने के लिए ठीक कैसे हो सकती है? मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द जो है जिस अदालत से उनको ये बेल दी गई है उस अदालत से ये बेल कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर उनकी सेहत इलेक्शन के लिए ठीक है तो उनकी सेहत फिर जेल के लिए भी ठीक है। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा और असीम आनंद का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और कांग्रेस को घेरने के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द तेजी से उछाला था। दिग्विजय सिंह ने तो इसे संघीय आतंकवाद तक करार दिया था। अब जबकि साध्वी जेल से बाहर हैं, तो संत समाज भी उन पर लगे आरोपों को सियासी साजिश करार दे रहा है। हिंदू कोई कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है और हिंदू का कोई आतंकवाद से संबंध नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की देन है कि प्रज्ञा ठाकुर को किसी कारणवश फंसा कर बजा कर और हिंदू आतंकवाद मर कर पूरे देश में एक हवा खड़ा किया, हिंदुओं को बदनाम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और भोपाल में बीजेपी के साध्वी कार्ड ने कांग्रेस को पसोपेश में डाल दिया है। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को लेकर पार्टी पहले से ही बैकफुट पर है। ऐसे में पार्टी आक्रामक बयानबाजी कर विवाद खड़ा करने से बच रही है। खुद भोपाल में प्रज्ञा के सामने खड़े दिग्विजय सिंह नरम नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।